वेलकम बैक माय चैनल। छोटे प्रॉन के खट्टे मीठे करी है, ये बहुत टेस्टी लगेगा, आप जरूर ट्राई करना। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये देखिए छोटे छोटे प्रॉन है, इसे आप अच्छे से इस तरह से साफ कर लीजिए। उसके बाद इसे अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाल के इसे अच्छे से मिला लीजिए। और चलिए यहाँ हमारा कढ़ाई गैस पे लगा दिया है और ये गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल मुहर गर्म होने के बाद ये मछली को इसमें डाल देंगे, इसे फ्राई करेंगे। ये मछली बिल्कुल हल्का लाल कलर हो जाए, इसे बीच बीच में चलाते रहिए। ये देखिए हल्का हल्का लाल कलर भी आ गया है, ये मछली हमारा हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया, इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया है और ये है भिंडी और ये कद्दू, जो इसे हम काट लेंगे। इसे मैंने पहले से धो लिया है, इसे इस साइज़ में आपको काटना है। ये देखिए ये वेजिटेबल हमारा कट हो गया है। अब चलिए यहाँ थोड़ा सा इमली लेंगे, इमली को पानी डाल के उसे भिगोएंगे। इमली का जो ये छिलका है ना, वो उसे उसमें से हटा लेंगे, ये फेंक देंगे। उसके बाद चलिए यहाँ कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, उसमें थोड़ा सा ही सरसों का तेल डालेंगे और इसमें जाएगा दो हरी मिर्च और डालेंगे ये पंचफोटन। उसके बाद डालेंगे ये चॉप किया हुआ अनियन, इसे हम हल्का ही फ्राई करेंगे, हल्का हल्का लाल कलर आने तक। उसके बाद डालेंगे यहाँ भिंडी, भिंडी हल्का सा फ्राई होने दीजिए। चलिए हल्का फ्राई हो गया है। अब हम डाल देंगे कद्दू जो हमने कट करके रखा था, ये दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये कद्दू पक जाए, अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब डालेंगे हल्दी एक चम्मच, फिर से उसे अच्छे से मिला लीजिए। इसे पकने देते हैं 5 मिनट तक। ये 5 मिनट के बाद ये देखिए एक कद्दू और ये भिंडी हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए कितनी अच्छे से पक गया है। चलिए अगला प्रोसेस में, अब यहाँ हम डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद ये जो फ्राई किया हुआ प्रॉन था उसे डाल देंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हो गया है। अब यहाँ हम जो इमली का पानी करके रखे थे उसे इसमें डाल देंगे।
इसे थोड़ी देर के लिए इमली को इसमें घुल जाने दीजिए। उसके बाद यहाँ डाल देंगे एक चम्मच या दो चम्मच, आप चीनी डाल सकते हैं। आपको जितना मीठा चाहिए उस तरह से आप डालिए। और ये देखिए, अब यहाँ गैस अप कर देंगे, हमारा करी रेडी हो गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है। चलिए, कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताइए।